लेट वन नाइट। अब एक बार रात को या आधी रात को या लेट वन नाइट का मतलब 12-1 बजे 2 बजे दो भी है। एज ही ले स्टेयरिंग द सीलिंग, ही का मतलब वो जो दूसरा व्यक्ति जिसे खिड़की के पास या खुद बैठने की भी इजाज़त नहीं थी, वो लेटा हुआ था स्टेयरिंग द सीलिंग, वो सीलिंग को निहार रहा था, एक टक देखे जा रहा था। द मैन बाय द विंडो बिगैन टू कॉफ, तभी जो दूसरा व्यक्ति विंडो के पास था वो खांसने लगा। ही वॉज चोकिंग ऑन द फ्लूइड इन हिज लंग्स, उसके फेफड़े में जो फ्लूइड भर गया था उसकी वजह से वो चोक कर रहा था, मतलब उसकी सांसें रुक रही थी, ठीक है, वो सांस नहीं ले पा रहा था। द अदर मैन वॉच्ड इन द डिमली लिट रूम एज द स्ट्रगलिंग मैन बाय द विंडो ग्रोप्ड फॉर द बटन टू कॉल फॉर हेल्प। फिर से, द अदर मैन वॉच्ड इन द डिमली लिट रूम, अब जो दूसरा व्यक्ति था जो सिर्फ लेटा हुआ रहता था, वो उसे डिमली लिट रूम, मतलब जो लाइट्स थी वो कैसी हो गई थी, डिम हो गई थी, उसमें उसी में वो देख रहा था, और उस समय वो स्ट्रगल कर रहा था, वो आदमी जो विंडो के पास था वो ग्रोप कर रहा था, ग्रोप का मतलब ढूंढ रहा था, इस तरह से हाथ आगे कर कर के वो ढूंढ रहा था। फॉर द बटन, क्या ढूंढ रहा था, बटन ढूंढ रहा था टू कॉल फॉर हेल्प, कि जिससे कि वो हेल्प के लिए बुला सके। तो ग्रोप करना मतलब क्या, तो ट्राई टू फाइंड विद हैंड्स व्हेन ही कुडंट सी, मतलब अंधेरे में एक तरह से हम कोई चीज़ ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रोप करते हैं, ठीक है। लिसनिंग फ्रॉम अक्रॉस द रूम ही नेवर मूव्ड, अब उसे सुनाई भी दिया, जो व्यक्ति हमेशा लेटा रहता था उसे सुनाई भी दिया, ठीक है, लेकिन वो मूव नहीं किया। नेवर पुश्ड हिज ओन बटन, उसने अपना बटन भी नहीं दबाया, चलो मान लो कि उसे उठने की इजाज़त नहीं थी और उसे वो जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा था उसे अपना बटन नहीं मिल रहा था, उसे ग्रोप करना पड़ रहा था, तो कम से कम ये तो बटन दबा सकता था, विच वुड हैव ब्रॉट द नर्स रनिंग, जिसकी वजह से नर्स दौड़ के आ सकती थी। इन लेस देन 5 मिनट्स द कॉफिंग एंड चोकिंग स्टॉप्ड, 5 मिनट के अंदर अंदर ही जो खांसने की आवाज़ थी, जो चोकिंग यानी कि एक तरह से दम घुटने की जो एक तरह से आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो सब शांत हो गई, अलॉन्ग द साउंड ऑफ ब्रीदिंग, और सांस की भी आवाज़ एक तरह से स्टॉप हो गई। नाउ देयर वाज ओनली साइलेंस, डेथली साइलेंस, अब कैसी चुप्पी थी, कैसी शांति थी, तो डेथली साइलेंस वाली शांति थी, मतलब एकदम से सन्नाटा। द फॉलोइंग मॉर्निंग द नर्स द डे नर्स अराइव टू ब्रिंग वाटर फॉर देयर बाथ्स, अगले दिन अगली सुबह नर्स पहुंची, ठीक है, उनको स्नान करवाने के लिए पानी लेकर आई। व्हेन शी फाउंड द लाइफलेस बॉडी ऑफ द मैन बाय द विंडो शी वॉज सैडन एंड कॉल्ड द हॉस्पिटल अटेंडेंट टू टेक इट अवे, नो वर्ड्स नो फस। जब वो उनके नहाने के लिए पानी लेकर आई और जब उसने देखा कि अरे ये व्यक्ति तो मर चुका है जो विंडो के पास बैठता था, शी वॉज सैडन, वो बहुत दुखी हुई और हॉस्पिटल के अटेंडेंट को कॉल किया कि इसे लेके जाया जाए, किसी भी तरह की बात नहीं हुई, किसी ने कुछ कहा नहीं, नो फस, सब ने यही सोच लिया कि हाँ उसकी जो डेथ हुई नेचुरली हुई, ठीक है, और नो फस का मतलब किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। अ वर्ड टू शो वर्क डन विदाउट डिफ़िकल्टीज एज सुन एज इट सीम अप्रोप्रिएट, अब सबको लगा कि हाँ भाई ये तो नेचुरल डेथ है। द मैन आस्क्ड इफ ही कुड, सॉरी, ये उसके लिए है जो दूसरा व्यक्ति बचा हुआ था। एज सुन एज इट सीम अप्रोप्रिएट, जैसे ही सही समय लगा, उसे लगा कि ये सही समय है, द मैन आस्क्ड इफ ही कुड बी मूव नेक्स्ट टू द विंडो, उसने पूछा कि क्या मुझे विंडो के पास आप मूव करवा सकते हैं, मैं विंडो के पास अब रहूँ तो ठीक है। द नर्स वॉज हैप्पी टू मेक द स्विच आफ्टर मेकिंग श्योर ही वॉज कम्फर्टेबल, शी लेफ्ट हिम अलोन, नर्स ने तो खुशी खुशी उसे स्विच, मतलब उसकी जगह बदल दी, और नर्स ने ये भी श्योर किया कि तुम कम्फर्टेबल तो हो ना, और फिर वो उसको अकेले छोड़कर चली गई।
स्लोली पेनफुली ही प्रॉप्ड, अब धीरे धीरे दर्द, मतलब बहुत दर्द भी हो रहा था, ही प्रॉप्ड, प्रॉप्ड का मतलब उसने सहारा लिया हिमसेल्फ अपॉन वन एल्बो, मतलब एक एल्बो के सहारे वो थोड़ा सा वो ऊपर उठा टू टेक हिज फर्स्ट लुक कि वो खिड़की के बाहर देख सके। फाइनली ही वुड हैव द जॉय ऑफ सीइंग इट ऑल हिमसेल्फ, अब तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब मैं सब कुछ खिड़की के बाहर देख सकूँगा। ही स्ट्रेंड बिकेम स्ट्रेंच्ड, ये एम नहीं आएगा। ही स्ट्रेंड टू स्लोली टर्न टू लुक आउट द विंडो बिसाइड द बेड, इट फेस्ड अ ब्लैक वॉल, अ ब्लैंक वॉल, उसने बहुत ही ताकत लगाई, स्ट्रेन, ठीक है, टू स्लोली टर्न टू लुक आउट द विंडो बिसाइड द बेड, उस विंडो के बाहर देखने के लिए उसने काफ़ी ताकत लगाई, और बाहर क्या देखा उसने, तो विंडो के ठीक सामने, फेस का मतलब के सामने, विंडो के ठीक सामने एक ब्लैंक वॉल था। ब्लैंक वॉल का मतलब एक दीवार थी जिस पे कुछ भी, एक मतलब वाइट वॉश किया गया था बस, और कुछ भी उस पर ना चित्र था ना कुछ और था, और यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि पूरी स्टोरी में जो व्यक्ति जो कि मर गया वो खिड़की के बाहर देखकर तरह तरह के विवरण दिया करता था कि बाहर ऐसा है वैसा है, एक पार्क है, उसमें तालाब है, बहुत सुंदर दृश्य है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और रंग बिरंगी चीज़ों के बारे में भी बताता था। ये सब चीज़ें तो पहली बात थी ही नहीं, बाहर खिड़की के बाहर कुछ ऐसा था ही नहीं, खिड़की के बाहर तो एक ब्लैंक वॉल था। शायद वो व्यक्ति अपना टाइम पास करने के लिए, और अपने से ज़्यादा सामने वाले व्यक्ति जो कि लेटा हुआ था हमेशा के लिए, उसका टाइम पास करने के लिए ये इस तरह की बातें किया करता था, और अब उसे रियलाइज़ होता है।